मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार शुक्रवार से ही बिहार में प्री मॉनसून सक्रिय है। कल बिहार के कई जिलों में रात में झमाझम बारिश हुई। आज शनिवार की सुबह 9 बजे से झमाझम बारिश शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही थम गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से बिहार में शनिवार सुबह तक मॉनसून पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के बादल अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में झमाझम बरसेंगे। आज सुबह से राजधानी पटना में शुरू हुई बारिश आगे भी जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की बारिश होने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बह सकती है। शुक्रवार को बिहार के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में वज्रपात और भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट, मौसम केंद्र पटना के अनुसार बिहार में 15 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी शुक्रवार से ही बादल छाए हुए हैं और शनिवार की सुबह छिटपुट बूंदाबांदी भी शुरू हुई। 9 बजे तक झमाझम बारिश हुई, लेकिन कुछ देर में ही बारिश थम गई। मौसम विभाग के अनुसार पटना में 13 जून को मॉनसून दस्तक देगा। इसको देखते हुए यहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में मॉनसून को लेकर आपदा विभाग भी अलर्ट हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके तक में दो दो चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हो गए। मौसम को मॉनसून के लिए वेलकम मोड माना जा रहा है। अमितेश सिंह की खास रिपोर्ट।